बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? कोई साहब डॉट के साथ लॉगिन हुए, अपनी आईडी के साथ लॉगिन हो जाए, अदरवाइज तो चलिए। एक थोड़ा सा रिवीजन की दरख्वास्त आई है, तो मैं उस पर चला जाता हूँ। लेट मी चेंज द स्क्रीन और फिर हम वहाँ से शुरू करते हैं। जी रिक्वेस्ट ये आई है कि क्या ये सर हेडिंग रिवाइज कर दें, तो इसमें कौन सी वाली हेडिंग आपको सुनना बेटर होगा? इसमें टॉप वाली या लेफ्ट? देयर आर टू थिंग्स, ये स्कोप है, स्कोप को रिवाइज करना है, ये डेवलपमेंट प्रोसेस है वेबसाइट का। तो कहाँ कंफ्यूजन है मुझे बता दीजिए, तो सो दैट आई कैन रिपीट। सर डेवलपमेंट प्रोसेस। डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब देखिए, थोड़ी सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बियर विथ मी विथ फॉर 2-3 मिनट्स। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कि कई तरीकों से बना सकते हैं, एंड दिस इज योर चॉइस, ठीक है ना। हम वाटरफॉल फॉलो करेंगे या एजाइल फॉलो करेंगे, प्रोजेक्ट किस तरह से फॉलो करेंगे। तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस डिवेलपिंग द वेबसाइट। मैं जिस कंपनी में था, तो वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, तो क्या होता था वो ये तरीका था कि पहले वो कस्टमर को एक क्वेश्चनायर भेजते थे और उनसे पूछते थे आपकी चॉइस क्या है इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट। तो 3-4 वेबसाइट बता दीजिए, कलर कॉम्बिनेशन बता दीजिए, टू अंडरस्टैंड द थिंकिंग एंड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ द कस्टमर। क्योंकि पसंद नापसंद तो बहुत ओपन है ना, तो वो हम देखते थे कि भाई क्या है। तो दैट्स अ मेथडोलॉजी। और फिर ये कि हमने ये भी लर्न किया कि कस्टमर जो है वो एक डिज़ाइन को पसंद नहीं आया तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, वो बनवाए जा रहा है। भाई उसकी कोई लिमिट होगी ना, तो देयर वाज अ लिमिट कि 3 से ज़्यादा नहीं बनाएंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप प्रोजेक्ट कैंसिल कर दीजिए। तो बट नॉर्मली ग्राफिक डिज़ाइनर 3-3.5 में जाके क्लोज कर लेते थे। तो बिफोर दैट वी, तो दिस इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप उसकी स्लाइड देखेंगी तो उसमें लिखा हुआ है कि जनाब 3 आइट्रेशन होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो लेकिन उस डिज़ाइनर वो कंट्रोल कर लेता था आपकी पसंद नापसंद, तो वो पूछ लेता कि कलर कॉम्बिनेशन कौन से पसंद है, कौन सी वेबसाइट है जो आपको अच्छी लगती है वो हमें बता दीजिए, ठीक है। फिर एक टूल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, समथिंग वायर वायर्स या समथिंग, अभी मुझे नाम याद आएगा तब बताऊँगा, जिससे हम एक स्केलेटन बना लेते हैं कि किस तरह से होगा, ठीक है। तो वो फिर बनाने के बाद फिर अब आपकी जब फ्रंट पेज और बाकी पेज डिज़ाइन हो गए, थीम डिज़ाइन हो गई, तो फिर उसमें कंटेंट डालने हैं। जैसे मेन पेज है, अबाउट अस का, ये मेन पेज के अलावा जो पेजेस हैं उनमें कंटेंट डालना है। तो कंटेंट क्या होगा, कौन देगा, तस्वीरें कौन सी होंगी, अब ये वेबसाइट का मेथडोलॉजी है। तो ये जो ऊपर लिखी हुई है, ये आपकी स्क्रीन डिज़ाइनिंग हो रही है, फ्रंट पेज और अंदर के पेजेस, ठीक है ना, थीम डिज़ाइन हो रही है। अब तो बहुत वो हो गया कि जैसे वर्डप्रेस है या मैजेंटो है, इसमें बने बनाए थीम्स होते हैं, आप उसमें से कहते हैं मैं इनमें से सेलेक्ट कर लें, तो सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर ये वो कंटेंट है कि कंटेंट आप देंगे और कहाँ लगाना है, तो कंटेंट डल जाएगा। कंटेंट डालने के बाद आप फाइनलाइज करेंगे, उसमें कोई एरर मिस्टेक्स तो नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वो स्टेजिंग कर दी जाती है, जैसे वेबसाइट होती है तो एक्चुअल वेबसाइट पर नहीं डाली जाती है, स्टेजिंग कर देती है हमारी, जैसे कोई चीज़ें हमने साइट पर डाल दिया, आपको दिख कैसे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेजिंग। तो फिर आप उसको देख लेते हैं, फाइनलाइज करते हैं, तो फिर वो एक्चुअल उस पे होस्ट पे कॉपी कर दी जाती है। ये है मेथडोलॉजी। तो वॉट एवर मेथडोलॉजी आर यूजिंग, जैसे मैंने अभी कल बताया था प्रोसेस में, तो वो हम वाटरफॉल यूज़ कर रहे थे, वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए वाटरफॉल कैसे यूज़ होगी, तो दैट वॉज द मेथडोलॉजी। मैं एक और खोल के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कॉस्ट मैनेजमेंट वाली का है। तो मतलब ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ये हर प्रोजेक्ट मैनेजर अपने हिसाब से मतलब बनाता है। बेटा प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, जो सॉफ्टवेयर हाउस है ना, उसका कोई प्रोसेस होगा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उसी प्रोसेस को फॉलो करता है। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट हैं या सॉफ्टवेयर हाउस हैं, तो यू मस्ट हैव अ प्रोसेस। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर उस टीम का पार्ट है और वो उसी प्रोसेस को फॉलो करेगा। Right, sir. ठीक है ना, ये तो अगर कोई प्रोसेस नहीं है, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिस्टम सबमिटेड में हैं या आप अवांजा में हैं या आप टेन पल्स में हैं, दे मस्ट हैव अ प्रोसेस। तो वो प्रोसेस को
एस्टिमेट कर लेगा कि भाई ये होगा ये होगा ये होगा इस तरह से. नॉर्मली विल हैव अ प्रोसेस. एक्चुअली जो आईटी डिपार्टमेंट है बड़े बड़े या बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस दे विल हैव अ प्रोसेस. वो डॉक्यूमेंटेड होगा और अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल पढ़ा है तो वो लेवल होगी मैच्योरिटी की, लेवल 3 होगी, लेवल 4 होगी. तो प्रोसेस होगा, इनफैक्ट प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंटेड होगा, उसकी KPIs होंगी. अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस के पास ज़रूर होगा. छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हाउस हैं 15 लोग 20 लोग शायद उनके पास ना हो, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर के पास ज़रूर होगा. यानी अगर आप में जो बड़े नाम है ना, 10Pulse हो गया, Avanza हो गया, या Systems Limited हो गया, या Contour हो गया, दे मस्ट हैव अ प्रोसेस, डिफाइंड प्रोसेस, क्योंकि बड़ी टीम का पार्ट है. वरना वो इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी ना सॉफ्टवेयर में. जब आप एक बड़ी टीम के साथ काम करें तो सबको पता होना चाहिए कैसे काम करेंगे. तो अच्छे और बड़े सॉफ्टवेयर हाउस मस्ट हैव अ एग्रीड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस, तो वो आप ऊपर बना देंगे. ठीक है, क्लियर हो गए भाई? यस सर. ठीक है, चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, विच इज गुड. और मेरी दुआ है कि आप लोग अपने करियर में अच्छा काम करें, लेकिन उसके लिए अपनी एफर्ट लगानी और नॉलेज को इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कैन बियर अप द कंपटीशन. क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, जब ग्रेजुएट करेंगे तो 5-6 यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट होंगे, उनसे आप कम्पीट कर रहे होंगे. तो यू शुड बीट देम विद योर नॉलेज एंड योर स्किल सेट. ठीक है, चलिए, हमने ये कल पढ़ लिया था, उसको रिवाइज करके मैं आगे जाऊँगा. एनालोगस एस्टिमेशन होती है, इम्पेरिकल होती है, डिकम्पोजिशन होती है, प्रोसेस बेस्ड. एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट के सिमिलर प्रोजेक्ट से कंपेयर करना है. इम्पेरिकल में कोकोमो, कोकोमो 2, बेरी बोएम, ये हमने नाम पढ़े थे और हमको लोकल इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमने उसको ज़्यादा वो नहीं किया था. नंबर 3 या नंबर 4 हमने पढ़ा था, डिकम्पोजिशन एंड प्रोसेस बेस्ड. यानी आप बड़े प्रोजेक्ट को डिकम्पोज कर लेते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, WBS वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और फिर उसको आप सम अप करते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है या टाइम एस्टीमेट आ जाता है. ठीक है, उसी को हमने प्रोसेस बेस्ड भी सीखा था कि हमने लेफ्ट साइड पे प्रोसेस बना सॉरी स्कोप डिफाइन कर लिया था. द मोर डिटेल यू विल हैव विल बी मच इजियर फॉर यू टू एस्टीमेट. ठीक है ना, आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना मुश्किल होगा एस्टीमेट का, तो उसको ब्रेक कर लीजिए इंटू स्मॉलर एक्टिविटीज़, तो आपके लिए एस्टीमेशन आसान हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था, इसको मैं आगे जा रहा हूँ. कोई सवाल है इसमें पूछ लीजिए, अदरवाइज तो हम आगे जा रहे हैं. ठीक है, अब कॉस्ट की बजटिंग कैसे होगी? तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने एस्टीमेट किया और हमें अंदाज़ा होगा कि इस चीज़ में, फिर हम क्या करते हैं उस पर रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और रिस्क आइडेंटिफाई करने की एक बफर रख देते हैं. ठीक है, तो हम ज़रा देखते हैं कि कॉस्ट की बजटिंग कैसे होती है. तो पहले एस्टीमेट किया. अच्छा, हमने एस्टीमेट किया तो हमने पढ़ा था कि एस्टीमेशन इनटेंजिबल है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, तो देर इज़ अ रिस्क. ठीक है ना, ये सारे रिस्क हैं. तो फिर हमारा पिछला एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन का, पिछला एक्सपीरियंस हमारे लोगों का, ये सारे हमारे दिमाग में होना चाहिए या डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए. उसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि भाई नॉर्मली ऐसा होता है तो इसको 10% बढ़ा दो, इसमें ज़्यादा होता है इसको 20% बढ़ा दो, इसमें नहीं होता है इसको 5% रख लो. तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑफ द सॉफ्टवेयर हाउस, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस विद द कस्टमर, यू कीप मार्जिन. ठीक है ना, तो वो मार्जिन आप ऐड करते जाते हैं और फिर आप एक सीलिंग डिफाइन कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने सारा डीकम्पोज करके, कॉस्टिंग करके, आपने कहा कि जनाब ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कि 11 लाख रुपये हो रहा है, तो फिर आपने कहा नहीं, रिक्वायरमेंट में थोड़ा सा चैलेंज आता है क्योंकि रिक्वायरमेंट एक नया एरिया है, तो उसमें फ्लेक्सीबिलिटी रखो, इसको 20% इंक्रीज कर लो. तो वो आपने 20% इंक्रीज कर लिया. फिर आपने कहा डेवलपमेंट में हमें कोई चैलेंज नहीं होता, लेकिन टेस्टिंग के अंदर हमें चैलेंज होता है, तो इसमें 20% कर लो. तो वो प्राइस आपने बढ़ा दी. तो प्राइस बढ़ाने के बाद, टाइम बढ़ाने के बाद, आपको पता चला कि जी वो 11 लाख नहीं, आपने 15 लाख कर दिया. पर 15 लाख इज़ द बजट. ठीक है ना, तो वो अप्रूव हो गया, तो फिर वो अप्रूव हो गया, वरना फिर वो 11 लाख ही अप्रूव होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते. ठीक है, तो कॉस्ट बजटिंग इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग द प्रोजेक्ट कॉस्ट, एस्टिमेटिंग द इंडिविजुअल वर्क आइटम. जो लिस्ट ऑफ टास्क बनाए थे ना, ये वो वर्क आइटम की बात कर रहा है. ये भी करना है, रिक्वायरमेंट भी लेनी है. रिक्वायरमेंट नहीं लेनी है, 3 मीटिंग करनी है, तो जाना आना, 3 दिन गुजारना, कौन जाएगा, तो ये सारी इंडिविजुअल आइटम्स है, उस पर आप कॉस्टिंग करते जाते हैं.
तो जितना आप ब्रेक डाउन करेंगे, जितना आप अच्छा लिस्ट ऑफ टास्क बनाएंगे, उतना आप अच्छा एस्टिमेट कर पाएंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात क्या है जनाब, बेसलाइन में आप जब भी मेजर करेंगे टाइम बेस, तो आप मेजर करेंगे और मॉनिटर करेंगे, यानी एक्चुअली आप मंथली एक्सपेंस को मेजर करते रहें और मॉनिटर करते रहें। ठीक है, तो कुछ टर्मिनोलॉजीज भी हम आगे चल के पढ़ते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जब आई स्टार्टेड माय करियर आई वाज नॉट एन एक्सपीरियंस पर्सन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस टर्म्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो पढ़ी हुई थी लेकिन हमें फाइनेंशियल टर्म्स नहीं पढ़ता था, तो हम क्या करते थे कि हमारा जो फाइनेंस के लोग होते थे उनको कहता था जरा बैठ के मुझे समझाओ ये ROI कैसे होता है, मंथली एक्सपेंस कैसे निकालते हो तुम लोग। ठीक है, तो मुझे बता देते हैं, तो वो मॉनिटर करनी होती है आपको, तो अगर आपको नहीं है तो वो आपको करके दे देगा कि मंथली सैलरी कितनी हो रही है और पर सीट कॉस्ट कितनी निकल रही है, तो आप देखते हैं हाँ जी विद इन बजट है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल मुझे 15 लोग दिए हैं, मेरे पास 150 लोग हैं लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में ना 15 लोग हैं, तो मैं कहता हूँ 15 लोगों की कॉस्ट बताओ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो मैं कहता हूँ अभी तक ठीक जा रहे हैं, वो कहता है हाँ सर ठीक जा रहे हैं लेकिन इस महीने जो है ना आप लोगों का काम कम हुआ है और ये, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो पॉइंट ये कि मैं अगर किसी चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं रखता हूँ तो मैं किसी को मदद के लिए बुला सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आपको बजटिंग क्यों करते हैं, ताकि आपको रिक्वायर्ड फंड जो है वो एलोकेट हो जाए या अप्रूव हो जाए और आपका कैश फ्लो जो है वो सही रहे। ठीक है ना, यानी आपको हर महीने तनख्वाह देनी है और हर महीने जो भी उनके एक्सपेंस हुए हैं ट्रैवलिंग के, इस केस के होते हैं ना, आप कहाँ कहाँ गए थे वो पेट्रोल आपको मिल जाए। ठीक है, तो ऑफिसर जो भी कंपनी की पॉलिसी होती है, नॉर्मली पॉलिसी होती है कि जो लोग बाहर जाते हैं उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, तो अगर आप अपनी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उसका पेट्रोल मिल जाता है पर जो भी है माइलेज के हिसाब से, तो आप भर देते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो लेकिन जो भी अमाउंट है चाहे वो 11 लाख हो चाहे वो 15 लाख हो, वो अप्रूव होगी उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता आपको, ये तो ऑडिट में आ जाता है ना फिर के जी अप्रूव हुआ था 11 लाख और आपको मिल गया 14 लाख, ये कैसे हो सकता है, तो ऑडिट हो जाएगी आपकी फाइनेंस और ये सारा कुछ, तो अंडरस्टैंड कि जो चीज़ अप्रूवल है साइन हुई है बस वही आपको मिल सकती है, दैट इज़ द सीलिंग। तो अगर आपको याद हो प्रोजेक्ट चार्टर में हमने मोटी मोटी बातें एग्री कर ली थी, टाइम लाइन्स कि जी इस पे 11 महीने या इस पे 14 महीने, ये प्रोजेक्ट चार्टर में डिटेल करने के बाद हमने लिख लिया था, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है या प्रोजेक्ट की टीम कौन है ये एग्री कर लिया था, और बजट एग्री कर लिया था कि जनाब इस प्रोजेक्ट पे आपको 14 महीने मिलेंगे और आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे और ये लोग हम आपको एलोकेट कर देंगे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, उसमें और भी चीज़ें होंगी, बेनिफिट्स होंगी, इन्वेस्टमेंट होगी, कॉस्ट होगी, सारी चीज़ें, लेकिन आपके पास आपके लिए जो इंटरेस्टेड है वो टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, आपके पास ये है टाइम और ये कॉस्ट, अब आपने इसी में काम करना है। ठीक है, तो आपको एक्सट्रीमली केयरफुल इसलिए होना होता है कि आपको अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है और आप शुरू कर देते हैं तो फिर आपको मसले होते हैं। ठीक है ना, कॉस्ट तो जा रही है आप काम करें ना करें, और लोगों से अगर आपको काम लेना नहीं होता है तो फिर लोग तो आ रहे हैं बैठ रहे हैं ऑफिस में चाय पी रहे हैं बिस्किट खा रहे हैं, काम नहीं हो पा रहा, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। ठीक है ना, तो ये जो आपको बताया गया था कि लोगों से काम लेना एक मुश्किल काम है, उसका मतलब है रिलेशनशिप बॉन्डिंग होनी ज़रूरी है कि जब आप उसको काम कहें तो वो जान मारे, तो वो जान कब मारेगा ये हम जब सेमेस्टर ख़त्म हो रहा होगा तो हम एक पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेकिन आपकी स्किल सेट के हवाले से हम पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं कि बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, अभी भी आप मैदान में उतरे नहीं है ना तो आपको अभी उसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो चीज़ें याद रहेंगी आपको। कैश फ्लो क्या है, कैश इन एंड कैश आउट होता है ना, तो आपके पास रेवेन्यू आना चाहिए हर महीने या हर 3 महीने जो भी पैसे आने चाहिए, और आप कैश आउट कर रहे होंगे तो नॉर्मली सैलरी तो चली जाएगी लेकिन आपके बजट में से जारी होगी ना, आपके प्रोजेक्ट में से जारी होगी, तो अगर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो चली जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इन्फ्लेशन अगर 1.5 साल का 2 साल का प्रोजेक्ट है तो वो इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है, वैल्यू कम हो जाती है ना आपकी, तो अगर आपके दरमियान में आपको पता चलता है कि जनाब आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे, एक्सपेंडिचर जो है वो 15 लाख के बजाय 18 लाख लगेगा और बजट तो आपका 15 ही लाख है, तो विद जेन्युइन रीजंस एंड जेन्युइन अप्रूवल वो आपका बजट या इनकम या रेवेन्यू जो भी है, पैसे आने को रेवेन्यू कहते हैं,
तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होना चाहिए, वरना फिर आप अपनी जेब से 3 लाख रुपए लगा रहे होंगे, यानी आपको कस्टमर 15 लाख देगा लेकिन एक्सपेंस आपके 18 लाख आ रहे हैं, तो आप एक्चुअली 3 लाख का लॉस ले रहे हैं। तो अगर कस्टमर कोई चीज़ बढ़ा रहा है, स्कोप को एक्सटेंड कर रहा है, कोई चीज़ को रिवाइज कर रहा है, तो ही शुड बियर द कॉस्ट, ठीक है। तो स्कोप अगर लॉक नहीं था तो फिर वो शरारत करेगा, शरारत का मतलब है वो कहेगा ये भी था ये भी था, तो इसलिए स्कोप अगर लॉक हो गया और इसके बाद वो कोई चीज़ ऐड करता है तो फिर आप कहेंगे जी स्कोप ऐड हो गया, तो जाहिर सी बात है एफर्ट्स भी ऐड होंगी और पैसे भी ऐड होंगे, तो इसका मतलब है तो एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज, तो इसका मतलब है इनकम भी, तो एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने स्कोप बढ़ा दिया। सर अगर हम उस डेवलपमेंट पीरियड में अगर हम एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे तो इज़न्ट दिस बैड इम्प्रेशन ऑन क्लाइंट के हमने एस्टीमेट कुछ और बताया था उसे और अब हम बढ़ा रहे हैं। हाँ बेटा, बात यह है ना कि आपने प्रोजेक्ट को जब प्लान किया होगा तो आपने टोटल कॉस्ट के अंदर, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ आप लोगों को, लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट। हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन मैं आपको ये दिखा दूँ, आपको फिर आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये वाली स्लाइड देखिए, मैंने अभी कस्टमर के पास नहीं गया हूँ, कस्टमर से मैंने पूछा क्या क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कितने मॉड्यूल हैं, तो उसने बोला HR का सिस्टम बनाना है बस, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स का। तो फिर मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे 4 मॉड्यूल बताए कि जनाब, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जानबूझ के आपसे टर्मिनोलॉजी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्कोप को लॉक करने के लिए बिजनेस की नॉलेज थोड़ी ज़रूरी है, वरना फिर आपका और कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ हो जाएगी, इसलिए मैं फ्लेवर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम, उसने बताया कि जनाब हायरिंग का मॉड्यूल होना चाहिए, अप्रेजल का मॉड्यूल होना चाहिए और टर्मिनेशन का मॉड्यूल होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ये मेरी 3 चीज़ें आपने कही हैं, तो मैंने आपको कहा कि जी 1 महीना ये 1 महीना ये, तो मैंने कहा जी 3 महीने के अंदर रिक्वायरमेंट हो जाएंगी और मेरा BA जो है वो 1 लाख रुपये लेता है, तो 3 लाख रुपये उसके लग गए, या मैं हूँ BA तो मैं 3 महीने की काम करूँगा तो मेरे 3 लाख रुपये इस प्रोजेक्ट पर लग गए। उसके बाद डेवलपमेंट टीम है जो 50,000 रुपये लोग हैं और इतना टाइम लगेगा, तो उनकी कॉस्ट ये हो गई। तो ये मैंने अभी एस्टीमेट लगाया, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मंथली एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने मोटी मोटी प्राइस लगा ली, इम्प्लीमेंटेशन में इतने लगेंगे, इसमें लगेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 लाख रुपये मेरे पास, 11 लाख रुपये और अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 महीने। अब मैंने जब प्लानिंग करूँगा ना, अगर ये 11 लाख से महीने से ज़्यादा जाएगा तो एक कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाएगी और मुझे कहीं दरमियान में ही पता चल जाएगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने 11 लाख की एस्टीमेट कर ली है और आसान करने के लिए, और 11 महीने यानी तकरीबन 1 लाख रुपए महीने की कॉस्ट जा रही है। अब फिर मैंने कहा बजटिंग, बजटिंग में क्या है, मैंने कहा नहीं HR में मुझे ये चीज़ें नहीं आती ये नहीं आती, तो इसमें 1 महीना बढ़ा दो और 1 लाख रुपये की कॉस्ट बढ़ा दो, इसमें इतनी बढ़ा दो, इसमें बढ़ा दो। आप देख रहे हैं मैंने 11 लाख से कितनी कर दिया, 15 लाख। अब मुझे मालूम है विद माय एक्सपीरियंस माय टीम एंड नोइंग दैट बैंक दैट ये 13-14 महीने में हो जाएगा, 13-14 महीने में हो जाएगा, 1-2 लाख रुपए में बच जाएंगे, दैट इज आवर बजटिंग। समझ में आ रही है, अभी हमने बजटिंग कर लिया। यस सर। अब हमने अब बैठना है कि जब शुरू में करेंगे तो BA जाएगा, उसकी कॉस्ट, तो शुरू के 3 महीने में कुछ और कॉस्ट जाएगी, फिर नेक्स्ट वाले महीने में बड़ी टीम है डेवलपमेंट टीम, उसकी कॉस्ट ज्यादा जाएगी, तो हर महीने शायद 1 लाख रुपए नहीं जाएंगे, शायद 1.5 लाख रुपए जाएंगे। तो पॉइंट इज कि हमें पूरे पूरे 11 महीनों की कॉस्ट देखनी है कि वो 11-12 लाख रुपए से ज्यादा ना जाए। लेकिन अगर काम कम हुआ है और वक्त गुजर गया है तो उसका मतलब है एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई है, 6 महीने के बाद भी मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गई, तो आई नीड टू कंट्रोल, या तो बताना होगा, चीज़ों को करना होगा, दैट्स हाउ यू शुड कंट्रोल। तो ये है जो आपकी प्लानिंग, अगर ठीक है, अगर आपकी गलती थी, इन एक्सपीरियंस थे तो हो गई आपसे, तो यू विल बियर द कॉस्ट। लेकिन ये एक्सपीरियंस लोग करते हैं, इसलिए बात ये ना कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा पहले आप किसी से मदद लेंगे, अभी तो क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, मैदान में उतरे नहीं है, लेकिन जब आप किसी के साथ प्रोजेक्ट करेंगे SBA एज डेवलपमेंट, तो आप देखते रहेंगे ना, नोट करेंगे वो सारी चीज़ें, फिर आपका एक्सपीरियंस या रिलेटिवली प्लानिंग बेहतर होगी, गलती के इम्कान कम हो जाएंगे। हैव आई आंसर द क्वेश्चन? यस सर। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। चलिए अब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी सीखते हैं कि
पे बैक पीरियड क्या होता है और फलानी चीज क्या होती है. तो अभी जरा एक कैश फ्लो क्या चीज है. मैंने एक प्रोजेक्ट पे 1 मिलियन लगाए 10 लाख रुपए और मुझे हर महीने उसमें से पैसे वापस आ रहे हैं, ठीक है ना. तो ये पहले महीने इतने आए इतने आए, तो नेट प्रॉफिट क्योंकि वो 14 लाख हो गया तो मेरा नेट प्रॉफिट, तो दैट इज अ प्रॉफिट. बट दिस इज अ रिटर्न, हर महीने इतना आ रहा है इतना आ रहा है इतना आ रहा है, तो दैट इज अ रिटर्न, ठीक है. तो हम तीन टर्मिनोलॉजी आ गए हैं जो मैं आपको बताता हूँ. पे बैक पीरियड है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और नेट प्रेजेंट वैल्यू है. ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करेंगे तो जो स्पॉन्सर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपसे कुछ चीज़ें पूछेगी कि प्रोजेक्ट फीजिबल है कि नहीं है. फीजिबल का मतलब है हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम इतने पैसे अमाउंट लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 लाख रुपए हैं तो इस प्रोजेक्ट में क्यों लगाऊं, अगर मुझे 2 लाख रुपए का फायदा हो रहा है तो मुझे लगाना चाहिए. बट व्हाट इज द पे बैक पीरियड, 6 महीने में आना शुरू हो जाएगा या 6 साल में आना शुरू होगा. तो अगर 6 साल में आ रहा है तो दैट्स अ वेरी लॉन्ग पे बैक, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ टाइम. लेकिन 6 महीने में आना शुरू हुआ है तो प्रॉब्ली दैट्स अ फीजिबल प्रोजेक्ट फॉर मी. तो हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 10 लाख रुपए लगाने के बाद एक्चुअली फायदा कितना हो रहा है, 15 मिल रहे हैं 20 मिल रहे हैं. तो अगर 10 लाख रुपए आने से 20 लाख मिल रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डबल है. अभी जरा देखेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी, ठीक है. तो इसको जरा पढ़ लीजिएगा. बट ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होंगी तो जब आप किसी से बात करेंगे तो फाइनेंशियल टर्म में बात करनी होती है. नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, जैसे अगर आपको जैसे आपको 10 लाख रुपए अभी उधार दिए गए और बैंक आपसे वापस ले रहा है 5 साल में, तो एक्चुअली जो 10 लाख रुपए दिए गए उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है ना, डीवैल्यू हो जाती है या डेप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है. तो वो हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट पे अगर हमने पैसे लगाए हैं 10 लाख रुपए तो 5 साल में वो एक्चुअल वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है. मैंने कहीं और लगाई होती तो शायद ज़मीन खरीदी होती तो ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि ज़मीन थोड़ी सी है और उसकी पैसे तो बढ़ेंगे. तो डेप्रिशिएट नेट प्रेजेंट वैल्यू हम जरा देख लेते हैं. पे बैक पीरियड क्या है जनाब, मैंने 1 लाख रुपए लगाया और ये वापस कब मिल रहा है, तो जनाब ये वाला जो है वो 4 साल 6 महीने में मिल रहा है, ये 4 साल 8 महीने में मिल रहा है. इसमें पे बैक अच्छा है जनाब, ये 3-3.5 साल में मिल रहा है, ठीक है. ये पैसे लगाए मैंने और ये वापस आना शुरू हो गए. फॉर एग्जांपल मैंने दुकान खोल लिया और उस पर पैसे आना शुरू हो गए, या मैंने जो भी है तो प्रोजेक्ट लगाया है मैंने, एनीथिंग कुड बी अ प्रोजेक्ट, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया उसमें इन्वेस्ट की 10 लाख रुपए लगे, लेकिन वो बिकना शुरू हो गया, अब सॉफ्टवेयर बिकना शुरू हो गया और 10 लाख जो है वो मेरे 4 साल में रिकवर हो गए. तो दैट्स अ पे बैक पीरियड, ठीक है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है ज़रा देख लीजिए, मैंने पैसे लगाए वही 1 लाख रुपए और ये आ रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ठीक है. और इसको मैं देख लेता हूँ, तो ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल, तो 5 लाख का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये एनुअल है, इसको मैंने एवरेज आउट कर लिया, ठीक है. इसको मैंने एवरेज आउट कर लिया यानी सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5, तो ये 10,000 हो गया. और इसकी मैंने परसेंटेज निकाल ली तो ये मेरे पास 10% ROI आ गया, ठीक है. कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबको ऐड कर लिया, एवरेज निकाल लिया, ठीक है ना, यानी 5 साल का जो भी मेरे पास प्रॉफिट आ रहा था या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा था उसको मैंने जमा कर लिया डिवाइड बाय 5, तो एवरेज आ गया साल का 10,000 रुपये. तो 10,000 को मैंने जब परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 10%, तो ये 10% है, ये वाला 2% है, ये 10% है, तो ये सबसे ज़्यादा इसका ROI है इस प्रोजेक्ट पे या इस तरह की चीज़ों पे लगाना चाहिए, ठीक है ना. इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना पैसा लगाएंगे वो 12% से रिटर्न होगा, ठीक है. ये ऐसी जैसे बैंक सूद देता है, कोई 12% देता है, कोई 13% देता है, कुछ जगहों पर बहुत बहुत मिलते हैं. तो दैट्स अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एक्चुअली प्रोजेक्ट पे देखा जाता है, जब आप बात करते हैं ना कॉस्ट एंड प्रॉफिट में, तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है ना. तो इनको ज़रा देख लीजिएगा, अभी आप क्योंकि लेवल ऐसा नहीं है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी याद हो. ROI क्या होता है, कि कितने पैसे लगाए थे और कितना आपको रिटर्न हो रहा है, तो 12% आ रहा है. ये थोड़ा सा मुश्किल है. नेट प्रेजेंट वैल्यू यूँ समझिए कि पता नहीं आपने अपने पेरेंट्स से बातें सुनी है ना, हमारे ज़माने में तो रोटी इतने की आती थी, हमारे ज़माने में तो आटा इतने का आता था, हमारे ज़माने में तो इतनी तनख्वाह पूरी जाती थी. तो हमारे ज़माने में क्यों पूरी हो जाती थी, कि
बरकत थी, अब बरकत खत्म होती जा रही है, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। यानी आटा तो उतना ही है लेकिन उसकी वैल्यू जो है ना इन टर्म्स ऑफ मनी वो कम होती जा रही है। तो जो पहले 2 रुपए की रोटी होती थी वो 10 रुपए की हो गई है, क्यों? क्योंकि मनी की वैल्यू कम हो गई है, डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है, तो कैसे डेप्रिशिएट होता है? डेप्रिशिएट ऐसे होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो वैल्यू डेप्रिशिएट करती जाती है। तो हम नॉर्मली इन्फ्लेशन देखते हैं साल में कितना है। तो कभी आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि इस साल बहुत इन्फ्लेशन ज़्यादा था, ठीक है ना। तो नॉर्मली 12% 13% इज़ अ वेरी हाई वैल्यू, ठीक है। तो नॉर्मली 4% 5% इज एन एवरेज। तो ये हर साल ये वैल्यू है आपकी, वैल्यू इन ईयर्स टी, और ये रेट है। तो पहले साल कितनी थी? ये 9.9% थी। दूसरे साल कितनी थी? 0.8% थी। और ये ठीक है ना, तो ये इस पहले वाले साल में बहुत हाई थी और उसके बाद वो इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है। तो एक्चुअली आप देखिए, अगर 10 लाख रुपए आपने लगाए थे और 5 साल में वो पैसे वापस आ गए, तो एक्चुअल जो उसकी वैल्यू है ना वो बहुत डेप्रिशिएट हो गई है। तो आप हर साल को बनाते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो एवरेज वैल्यू है, ठीक है, वो कम हो गई है। ठीक है, तो जो आपको 1 लाख पे प्रॉफिट मिला था 10,000 का, वो 10,000 नहीं है एक्चुअली, वो 10% कम हो गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसकी वो 9,000 रह गई है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको 10,000 प्रॉफिट मिला था और ये 0.9%, तो ये पहले वाले साल इतना हो गया, दूसरे साल, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मली जो पैसे रखे जाते हैं बैंक में वो डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो एप्रिशिएट होती हैं, यानी मकान, ज़मीन, ठीक है ना, ये अप्रिशिएट होते हैं। तो इसलिए पढ़ रहे हैं हम कि जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आपसे सवाल किया जाता है कि इसमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सवालों के जवाब, तो नॉर्मली होता है कि अगर आप, इफ़ यू आर नॉलेज ऑफ द फाइनेंस इज वीक, तो आप किसी को अपने साथ बिठा लेंगे जिसकी अच्छी होगी एग्जाम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कि ज़रा ये मुझे निकाल के दे दो, मुझे ये इसका जमा करके दे दो, इसका माइनस करके दे दो। तो बट पढ़ लीजिए, ये टर्मिनोलॉजी इतनी वो नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में जाएंगे और आप कहेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा है, तो यू शुड नो एटलीस्ट 3 टर्मिनोलॉजीज, ROI, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड पेबैक। पेबैक तो इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आई यूज दोज टर्मिनोलॉजीज अगर, ठीक है ना। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब प्रेजेंट वैल्यू कम हो रही है, चीज़ें डेप्रिशिएट हो रही हैं, ठीक है। और ROI का मतलब ये है कि किस प्रोजेक्ट पे लगाना चाहिए जिसमें मुझे वैल्यू ज़्यादा मिले। और पे बैक पीरियड ये है कि मैंने पहले पैसे लगाए हैं तो कितनी देरों में वापस आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं प्रोडक्ट FIP, और एक ज़बरदस्त आइडिया होता है और टीचर आपका कहता है यार इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करो, तो आप 1 साल लगाते हैं 4 दोस्त और बैठ के काम करते हैं। तो अब 1 साल की आप तनख्वाह नहीं ले रहे ना, वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में तो तनख्वाह नहीं ले रहे, फिर आपने ऑफिस का खर्चा और ये सारी चीज़ें, तो अप्रॉक्सीमेटली आप से सारे दोस्त मिलके 2.5 लाख रुपए की पर मंथ इन्वेस्टमेंट हो रही है और 12 महीने, तो ये आपने अच्छी खासी 20 लाख रुपए की कॉस्ट लगा दिया 1 साल के अंदर, प्रोडक्ट हो गई है, अब आप उसको बेच रहे हैं। तो 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसको आप बेच रहे हैं, तो शुरू में नहीं बिकेगी, उसके बाद बिकेगी, तो 3 साल में जाके वो बिकना शुरू हुई और प्रॉफिट में आना शुरू हुआ, तो दैट इज योर पे बैक पीरियड। उसके बाद फिर आप प्रॉफिट कमाएंगे, सारा कुछ करेंगे उस पर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको, जो आप देखेंगे ना एस्टिमेशन बिजनेस को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो फिर आप देखेंगे जनाब कब प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, अगर ऑफिस का खर्चा देना है और आपके पास नहीं है तो अब्बा से ले लिया या भाई से ले लिया या बैंक से उधार ले लिया, तो उसको पे बैक पीरियड कब होगा, कब प्रॉफिटेबल होंगे, कब होगा, ये एक्चुअली आपने बिजनेस प्लान जब आप बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बजटिंग में क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड बजट आर 2 डिफरेंट थिंग्स, हमने देख लिया। कॉस्ट एक्चुअल होती है और बजटिंग में हम रिस्क ऐड कर देते हैं, ठीक है ना जी। बजट रिस्क ऐड कर देते हैं, यू हैव लेड डाउन योर कॉस्ट एंड फिर आप देखते हैं कि बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, फॉर एग्जाम्पल ये BA जो है ज़रा हल्का है, रिक्वायरमेंट नहीं ले पाएगा, इसमें चैलेंज आएगा, तो इसमें ज़्यादा रिस्क है, लेकिन ये वाला जो BA है इसको इंश्योरेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है, ये ले लेगा, तो इसमें रिस्क कम है। और ये वाली जिसमें हमारी डेवलपमेंट टीम जो है ज़रा वीक है, तो यहाँ रिस्क ऐड कर दो, और ये वाली टीम जो है ज़रा स्ट्रॉन्ग है, इसको रिस्क कम है। तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही गवर्नमेंट स्टाइल है और टाइम नहीं देगी, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये रिस्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द टीम, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर इन चीज़ों को कंसीडर करता है, वो एक जैसा स्कोप
डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे डिफरेंट टाइम और कॉस्ट देगा आपको, ठीक है, डिफरेंट टाइम और कॉस्ट देगा, क्योंकि बिहेवियर अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, रिस्पॉन्स अलग अलग है। ये बात समझ में आ गई? तो रिस्क अलग अलग हो सकता है, स्कोप हो सकता है एक जैसा हो, बट उसकी कॉस्टिंग और टाइमिंग अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना? एक ठीक है, क्लियर हो सर? जी सर। सर ये जो सारी चीजें, मतलब जो रिस्क ऐड करना है और बाकी सारी चीजें जो आइडेंटिफाई करके, तो ये हम प्रोजेक्ट प्लान करते वक्त ही टाइम एस्टिमेशन में सारी चीजें ऐड करके ही प्रोजेक्ट प्लान बनाएंगे? जी बिल्कुल। आप रिस्क दो तरह का है ना, एक तो रिस्क है टाइम का, कितने टाइम में करेगा, कितनी एफर्ट लगाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल। दूसरा है रिस्क कॉस्टिंग का, अगर टाइम इन्फ्लेट कर रहा है कस्टमर, फॉर एग्जांपल मेरा बीए सही है और लेकिन कस्टमर की ऑर्गेनाइजेशन मुझे बता रही है कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे, तो उसी वक्त मुझे टाइम एस्टिमेशन रिस्क हो गया और बढ़ा देना चाहिए। मसलन आप एक इंश्योरेंस का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बैंक, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमारा एक प्रोग्रेसिव बैंक है, यानी मतलब रिस्पॉन्स देगा, कोलेबरेट करेगा, मदद करेगा, लेकिन एक एक बैंक जो बिल्कुल टिपिकल स्टाइल है, वो आपको घास ही नहीं डालेगा, वो आप एहसान करेगा, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट लेना, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, दुगना टाइम लग जाएगा। तो आपको स्कोप वही है लेकिन उसमें एफर्ट एस्टिमेशन ज़्यादा लग गई, क्योंकि आप बैठे में कुछ नहीं करे, तो एफर्ट एस्टिमेशन का मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको आप तनख्वाह भी दे रहे होंगे, ऑफिस का खर्चा भी दे रहे होंगे, तो वो रिस्पेक्टिवली कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है? हाँ, अभी अभी प्रॉब्लम ये है कि आप FIP को अगर देखेंगे ना, तो FIP में कस्टमर कोई है नहीं, एक इमेजिनरी कस्टमर है नॉर्मली, और आप डिवेलपमेंट टीम है, लेकिन जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर हाउस है XYZ और आप एक बैंक के लिए, तो वेंडर का रिस्पॉन्स बिहेवियर वो भी पता होना चाहिए, और आपकी टीम, उनका स्किल सेट और उनकी कैपेबिलिटी, ये पता होना चाहिए, वरना आपकी एस्टिमेशन ओवर या अंडर हो जाएगी। सर थिंग्स कैन गो अदरवाइज ना, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा सोचा था कि कोई बैंक है, अच्छी बैंक है, हमें रिस्पॉन्स मिलेगा उनकी तरफ से, और इन द प्रोसेस हमें नहीं मिलता, तो उस वक्त हम टाइम एस्टिमेशन टाइम बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट भी बढ़ा सकते हैं, या वो मतलब हमें पहले ही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स आएगा, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, हम ये सोच के चल रहे थे, एंड देन बाद में उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो हमारे टाइम और कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उस सिनेरियो में क्या हो सकता है? हाँ चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम ये ख़त्म करने के बाद स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अच्छा, ये हमें प्रोजेक्ट को टाइम, स्कोप, कॉस्ट के अलावा भी कुछ चीज़ें मैनेज करनी है, वो है रिस्पॉन्स, यानी स्टेक होल्डर का कल्चर, स्टेक होल्डर का पर्सनैलिटी, बिहेवियर। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए था, तो हमें लोगों के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, वो इम्पॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा फीलर आ जाना चाहिए, बात करके पता होना चाहिए कि ये आदमी क्या है। आप एज्यूम करिए, अभी मैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक फ्लेवर दे रहा हूँ आपको। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ और 3-4 लोगों से मिला हूँ, तो लोग बहुत वेलकम कर रहे हैं, हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं, कब से शुरू कर रहे हैं, तो वो एक फीलिंग दे रहा है मुझे, ठीक है, कि ये लोग वेलकम कर रहे हैं, शायद प्रोग्रेसिव हैं, कोलैबोरेट करेंगे। एक ऑफिस में मैं गुजरा, 3-4 लोगों से मिला, तो एक साहब ने कहा, आपसे पहले भी लोग आए असद साहब, लेकिन ये प्रोजेक्ट हुआ हुआ नहीं है। इसकी बातों से कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक और जगह गया तो उन्होंने कहा, जी कौन है आप? मैंने कहा, जी प्रोजेक्ट शुरू करना है। अच्छा अच्छा, तो चलिए अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आप टाइम लेके आइएगा इंशाल्लाह ताला। अब मैं उसके ऑफिस पहुंच गया हूँ, उसको पता होना चाहिए था, बट उसकी रिस्पॉन्स इज वेरी इनफॉर्मल के, जी मुझे तो किसी ने बताया नहीं है, फिर आप। तो डू यू अंडरस्टैंड दोज रिस्पॉन्सेज? एक रिस्पॉन्स वेरी कोलेबरेटिव, वेरी इनकरेजिंग, वेरी वेलकमिंग, तो इससे मुझे फीलिंग आ रही है ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसी, जैसे अगर आप किसी बैंक में घुसे तो एक आदमी पूछ रहा है क्या काम है, यहाँ बैठ जाइए, मैं ये करता हूँ, पर एक बैंक में घुसे तो एक रिस्पॉन्स पूछने वाला ही नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, मैं इधर भागता हूँ उससे पूछ। Do you understand the culture, the behavior? ठीक है, ये reflection देता है जिससे आपको organization के बारे में पता होना चाहिए। गलती होगी
संभालना एक अलग बात है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन और लोगों का बिहेवियर आपको थोड़ा सा असिस्ट कर लेना चाहिए. इसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर मैनेजमेंट. ठीक है भाई? यस सर. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसको. ठीक है ना, तो फिर उसको आप गौर से सुनिएगा सर क्या कह रहे हैं. चलिए ठीक है, आपने कॉस्टिंग की, फिर उसमें रिस्क आइडेंटिफाई की. अच्छा, हम रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे थोड़ा सा ना, कौन कौन से रिस्क हैं, टेक्नोलॉजी के रिस्क कौन से हैं, टीम के रिस्क कौन से हैं, रिक्वायरमेंट के, बहुत फ्लेवर मतलब देखने के लिए. लेकिन बहरहाल से हमें आइडिया हो जाए कि कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं. मेरा आदमी छोड़ के जा सकता है, कस्टमर शरारत कर सकता है, ठीक है ना. ये तो ये भी था. अच्छा, एक थोड़ी देर में ये लॉग आउट कर देगा आप लोगों को, तो हम रीजॉइन करेंगे. तो एस्टीमेट लगाया, फिर आपने रिस्क ऐड किया और आपने बजटिंग कर ली मैक्सिमम प्राइस. ठीक है, तो फिर आपने उसको, ठीक है, तो बाद दफा प्राइस इन्फ्लेट करेंगे तो कस्टमर शोर मचाएगा या जो भी आपकी इंटरनल टीम है वो शोर मचाएगी. तो आपको क्लेरिफाई करना होगा और बहुत सच्चाई के साथ. देखिए, इसकी वजह ये है, ठीक है, कहीं आपको चैलेंज भी करना पड़ेगा. मसलन आप कहते हैं रिक्वायरमेंट लेने में 40 दिन लगेंगे, तो कस्टमर कहते हैं 40 दिन, इतना टाइम? मैं तो अब बने बने डॉक्यूमेंट है आपको बता दूंगा, मैं आपको 4 घंटे में बता दूंगा. तो फिर आप चैलेंज करेंगे, ठीक है, अगर 4 घंटे में तो ये प्राइस जीरो हो जाएगी. लेकिन बहरहाल अगर आप 4 दिन में दे देंगे तो ये सरप्राइज होगा मेरे लिए, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है 4 घंटे में आप रिक्वायरमेंट दे दें. तो ये सारी चीज़ें, तो कस्टमर क्या समझ रहा है, क्योंकि अगर उसने सॉफ्टवेयर नहीं बनाया तो व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना. तो नॉर्मली जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है